तो हे गाइस, हरर महादेव एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम हैं देहरादून में और अभी हम जाने वाले हैं हरिद्वार। तो यहाँ से पहले हम लेंगे लारा को और फिर लारा के साथ हम निकलते हैं हरिद्वार के लिए। तो बने रहिए इस मज़ेदार वीडियो में। I've never done it before, but it was my dream to drive a motorbike. Yeah. You can ride bike? No. Okay. No, just take a ride on motorbike, and it was my great, great dream from my childhood. So today it will come true. Ta-dum. Hey guys, हरर महादेव एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम हैं ऋषिकेश में और ऋषिकेश से हम जा रहे हैं अभी हरिद्वार। तो हरिद्वार के लिए ऐसा कुछ प्लान बना है कि हम ऋषिकेश से बाइक से जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, और हमारे साथ में ये प्यारी सी बाइक और है लेरिसा। तो अभी हम साथ में जाएंगे हरिद्वार और आप सभी को मिलते हैं हरिद्वार में। तो चले बनी रहिए वीडियो में, मिलते हैं आगे। किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे हैं अभी हरिद्वार में और अभी हम हैं हर की पौड़ी पे। और आपको आपकी आंखों पे भरोसा नहीं होगा, इतना सुंदर नज़ारे हैं हरिद्वार के। और हरिद्वार ऐसी जगह है, यहाँ पे साल भर ऐसी भीड़ रहती है। मैं और हरिद्वार हिंदू धर्म के 7 डिवोशनल पॉइंट में से एक मुख्य पॉइंट हरिद्वार है। तो राजा भागीरथ जी ने स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पर बुलाया था ताकि उनको पूर्वजों को मुक्ति मिले। और बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ब्रह्म विष्णु और महेश, इन सभी का वास हरिद्वार में है। तो बने रहिए इस वीडियो में और करिए एंजॉय। तो यह है हरिद्वार, जब आप भी यहाँ आओगे तो इस जगह से प्यार हो जाएगा। सबको हरिद्वार में जीवन में एक बार तो आना चाहिए, इससे पहले कि कोई आपको लाए मटकी या जार में। कुछ दिन तो गुजारिए जिंदा हरिद्वार में। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी 151 दिन की जर्नी ऐसे जाएगी। कौन होता है और गंगा आरती कहाँ पे होती है? गंगा आरती घंटाघर। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? ये 5 मिनट ले चले। अच्छा, आरती तो शाम में होगी ना अभी? हाँ, 5:30 होगी। अच्छा। कैसा है, ठंडा है पानी? नहीं, अभी नॉर्मल। तो हमें कुछ दोस्त मिले जो हमें हर की पौड़ी घुमा रहे हैं। बेटा नाम बताओ आपका। मेरा नाम गंगा है, मेरे भाई का नाम अजय है। अच्छा, तो यही रहते हो आप? हाँ जी। अच्छा, अभी आप कहाँ लेके जा रहे हो हमको? तुम यहाँ के होगे, वहाँ ले जाएंगे, घुमा देंगे हमको। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अभी पकड़ लेना, उसमें क्या है। तू कहाँ जाएगी? जब तुम आओगे तो बहुत खूबसूरत अनुभव आपको आएगा हर की पौड़ी पे, और आप वहाँ पे स्नान भी कर सकते हो और बहुत मज़े ले सकते हो। फिर वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर तो नहीं, बस 500 मीटर के आसपास चलने के बाद आपको मनसा देवी जाने का रास्ता आ जाएगा, जहाँ से तुम मनसा देवी जा सकते हो। और यहाँ पे वो टेम्पल है बहुत ऊँचाइयों पर, तो आपको चल कर जाना पड़ेगा। तो हम पैदल जाएंगे मनसा देवी के लिए। ओके, चलो पैदल हम ले जाएंगे इन्हें पैदल। देखो तो वीडियो बन रही है। हाँ, तो बन रही है ना, बढ़िया। तो हर हर महादेव।
मंदिर के लिए आपको काफ़ी चढ़ना पड़ता है। यहाँ पहुँचने के बाद जो व्यू आपको देखने को मिलेगा वो लाजवाब होगा। अरे नहीं, आगे निकाल दूंगा भाई। ओके गो। यहाँ से लाइन में लगकर हम दर्शन करते हैं मनसा देवी के। जबरदस्त मनसा देवी के दर्शन करने के बाद, रोपवे की टिकट निकालने के बाद हम ऊपर आए हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, पर अगर आप भी यहाँ आते हो तो हर की पौड़ी से आने के बाद आपको भी मनसा देवी का दर्शन जरूर करना चाहिए। How was the taste? How is the good. taste? It's good. Okay. It's good. Not spicy? Not spicy. Okay. He's crazy. And how you are feeling in Haridwar? Haridwar, I love it. You know, I didn't expect that it's so beautiful, and it's not beautiful but magnificent. And when we came, I couldn't believe my eyes, because it's worth seeing. It's really worth seeing. I'm very grateful to him, because it was his idea to come here. I'm really happy. अगर आप हरिद्वार हर की पौड़ी आए हो तो आपको भी मनसा देवी मंदिर आना चाहिए, बहुत शानदार मंदिर है। और यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ, और अभी हम जाएंगे रोपवे से, तो मिलते हैं रोपवे में। I don't know how to say it in English, but funicular in Russian. So we are going to Haridwar. Not Haridwar, but Harkipuri. I don't know what is it. She knows okay, everything. Okay. Yeah. कैसा लग रहा है अंकल जी आपको? बढ़िया। आंटी आपको? कहाँ से हो आप? अच्छा, दे रहा था। मैं हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र? हाँ जी, हाँ जी। मनसा देवी से दर्शन करने के बाद हम रोपवे से नीचे आए अभी कुशावर्त घाट, और कुशावर्त घाट को भगवान दत्तात्रेय जी की तपोस्थली भी मानते हैं। तो देखिए नज़ारे। और ऐसी मान्यता है कि कुशावर्त घाट पे कुशा नाम की एक घास हुआ करती थी, जिसे हम बहुत पवित्र मानते हैं, और वो गंगा के बहाव से बहने लगी थी। तो फिर भगवान दत्तात्रेय जी ने यहाँ पर तपस्या करने के बाद, तपस्या से खुश होकर फिर माँ गंगा माँ उस घास को बचाती है, इसीलिए इस घाट का नाम है कुशावर्त घाट। तो आप मनसा देवी से दर्शन करने के बाद रोपवे से आप कुशावर्त घाट घूमने आ सकते हो। यहाँ से चंडी देवी के लिए अभी फ़िलहाल रोपवे बंद है, और हम वहाँ पैदल चलने के लिए हमें कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे मंदिर जाने के लिए। सो अभी हम वो प्लान ड्रॉप करते हैं, और अभी हम जा रहे हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर यही वीडियो कंटिन्यू करते तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगली वीडियो में।